अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का बेसब्री के साथ इंतज़ार था पीएमसी की तरफ से, वो तमाम चीज़ें आज की उन्होंने 28 सितंबर की मीटिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसा कि एमडी कैट का पेपर कब होगा, कौन से इंस्टीट्यूट्स में पेपर्स होगा, ठीक है, एनएलई के हवाले से जो लोग परेशान थे वो कब होगा, उसके अलावा जो है अपना जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो अपना परेशान थे लिस्टों के हवाले से, वो तमाम चीज़ें आज तमाम मेडिकल से रिलेटेड हर एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने जो है लाहे अमल तैयार किया है वो अभी हम आपको दिखाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी। अगर आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ओके कर दें। आपको अभी ले चलते हैं गूगल के ऊपर, पीएमसी की वेबसाइट्स के ऊपर, इससे पहले नेट जो है पीएमसी की वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हैं हम। ये पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, इसके ऊपर आप पब्लिकेशंस के ऊपर जाएं, और हमने आपको पहले भी बताया था प्रेस रिलीज़ के अंदर जाएं। इधर आप देख सकते हैं कि ये प्रेस रिलीज़ हुई हुई है पाकिस्तान, ये आज की डेट की व्यू पीडीएफ। इससे पहले इनके तमाम जो है ना अपना चैनल्स के ऊपर भी अपलोड वगैरह ये तमाम चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, तमाम जगह पे ये पूरी की पूरी डिटेल उन्होंने ये रिलीज़ कर दी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो पीएमसी एमडी कैट के हवाले से हैं, ये देखें ना, द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर डिसाइडेड टू होल्ड द एमडी कैट एग्जामिनेशन ऑफ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बुलान यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान की, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर पंजाब की, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में, दो यूनिवर्सिटी जो है कराची की, ठीक है, इसी तरह शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ये अपना आईसीटी एजीके गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। इट वाज डिसाइडेड दैट द पास परसेंटेज ऑफ एमबीबीएस विल बी 55% एंड बीडीएस विल बी 45%। के एमबीबीएस के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% है एमडी कैट की, बीडीएस के लिए 45% है। कौन सा रिलैक्स द पासिंग परसेंटेज टू हेल्प स्टूडेंट टू गेट एडजस्टेड फॉर पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज एट एज लास्ट ईयर आलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स वेंट अब्रोड टू गेट एडमिशन इन फॉरन मेडिकल डेंटल कॉलेज विच रिज़ल्ट इन अ ह्यूज फिनेंशियल लॉस टू पाकिस्तान। वो कहते हैं कि लास्ट ईयर जो है 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है डेंटल के लिए बाहर गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर उसका मेरिट कम कर दिया है ताकि पाकिस्तान के अंदर से ही वो कर लें। इट वॉज डिसाइडेड दैट नम्स एफिलेटेड कॉलेज एमडी कैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाई पी एम सी थ्रू नम्स सेपरेटली एंड ओनली दो स्टूडेंट कैन अपेयर इन दिस कॉलेज हु intends to get admission in only these college. It was decided that PMA long course should not be disturbed. अच्छा, जो नम से affiliated कॉलेज वगैरह हैं ना, उनका एम डी कैट जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं वो सिर्फ नम्स में ही मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा और नहीं। अगर बाकी सब में देना चाहते हैं आप, ठीक है, तो फिर आपको पी एम सी की तरफ से ही एम डी कैट देना पड़ेगा, जैसा कि एज़ यूजल होता है सारा, इसके अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और उस सबसे पहले ऊपर ऊपर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, द कौंसिल मेंबर्स जो है डिसाइडेड दैट एमडी कैट एग्जाम शैल बी हेल्ड ऑन 13 और 20 नवंबर 2022। 13 को या 20 नवंबर को जो है वो ये एग्ज़ाम होना मुनक़द होगा, ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय द पीएमसी थ्रू द प्रोविजनल पब्लिक यूनिवर्सिटी इन ऑल द प्रोविंसेस, ठीक है। सेम दिन के अंदर 13 तारीख को या 20 नवंबर को टेस्ट होगा, पूरा पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर एनएलई के बारे में उन्होंने बताया, एनएलई में जो स्टूडेंट्स वगैरह थे बाहर, जो स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस करके आगे पाकिस्तान के लिए एनएलई जो टेस्ट देना चाह रहे थे, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एनएलई के हिसाब से क्या होगा, वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन एंड डिसाइडेड टू होल्ड द एनएलई स्टेप वन एग्ज़ाम इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा। एनएलई टू एग्ज़ाम जो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर होगा। डिसाइडेड कौंसिल ने यह भी डिसाइड किया, लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनएलई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीएमसी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी जिनके अंदर वो पढ़ रहे होंगे, वही यूनिवर्सिटीज़ ही उनका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी, ठीक है। उन्हें एनएलई देने का स्पेशल कोई वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इन्होंने जो है एनएलई वन और टू के अंदर पासिंग परसेंटेज थी वो भी कम कर दी है, 70% से 50% कर दी है। इसके अलावा जो था इन्होंने ये भी डिसाइड किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री शैल बी रजिस्टर्ड विद द पीएमसी
को पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं वो उधर अपनी डिग्री रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन की स्क्रूटनी करने के बाद ही उनको जो है अपना पीएमसी के अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना मेन चीज़ जो है ये आप इधर देख रहे होंगे, कौंसिल हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू रिमूव फिनिश द पाथवेज एंड कैटेगराइज ऑफ ऑल द इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जितने भी पाथवे हैं। पाथवे का मतलब यह है कि जो लाइसेंस लेने के पाथवे हैं, जिस तरह वो 5 पाथवे हैं जो हमने एक्सप्लेन किए हुए थे, वो पाथवे इन्होंने ख़त्म कर दिए आप, ठीक है। उनकी जगह पे अब वो किस तरह उनको करेंगे, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड अप्रूव्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज शैल बी अपलोडेड ऑन पीएमसी वेबसाइट, कि अब वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड जो लिस्ट है वो हम अपलोड करेंगे जल्द ही। अब इस बेस के ऊपर आप स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं हो जाना कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें किस में ना लें, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपने इसी इसी एफएमजी से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उसमें एडमिशन लेना है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि पीएमसी के पास ऐसा कोई भी अब कोई रूल या कुलिया नहीं है कि एक एक यूनिवर्सिटी के पास जाएं, ये पहले भी किसी यूनिवर्सिटी किसी कंट्री के पास नहीं गए थे। इसी एफएमजी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रजिस्टर्ड उन्हीं में ही आप एडमिशन लें, ठीक है। वो अब जिन जिन कंट्री में इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, चाइना में भी तकरीबन 200-250 यूनिवर्सिटीज़ पीएमसी ने लिस्ट में डाली हुई है, लेकिन उनमें से सिर्फ 40-50 यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम होंगी इसी एफएमजी से होंगी। इसी तरह किर्गिस्तान के अंदर भी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें मद्देनज़र रखना है, वो हम आपको साथ साथ रहनुमाई कर देंगे। अब ये तमाम शेड्यूल आपको बता दिया है इस मीटिंग के अंदर, जो जो चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं सारी। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जिस चीज़ की ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर।